कि डॉक्टर हाथी के घर नहीं जाना? नहीं, खुद के घर जाना है। नहीं, इतनी कमाल की आवाज निकाल रहा है ना जेठा अंकल। नहीं दया भाभी, शादी के बाद तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं और बीवी की साड़ी इस्त्री करते हैं। हम दोनों जब 10-12 साल के थे तब दोनों ने सोचा था कि सरपंच की बेटी के साथ शादी। हम लोग बॉक्स में से कुछ निकला तो अरे तो उड़ के तो इधर ही आएगा ना। खड़ा रहे। अरे कहना क्या चाहते हो? पापा हमारे घर को कुछ भी हो जाए हम लोग इसी सोसाइटी में रहेंगे। हाँ हाँ बेटा इसी सोसाइटी में रहेंगे, घर भी उड़ के तो यही आएगा ना। हम कैच कर लेंगे, यहाँ रख देंगे और उसमें रहने लगेंगे। जब बेइज्जती है चलना है। चलना है टप्पू। मोबाइल दे मेरा टप्पू को। ये बढ़िया था गुरु। अरे दया भाभी कितनी अच्छी टोपी पहनी है आपने मिकी की। दहली में मोबाइल रखते हो? मैंने देता वाटर प्रूफ मोबाइल ले लो। अरे जेठालाल अयर कुछ बोल रहा है तुम्हें? अच्छा अरे भाई लेडीज लेडीज में फर्क होता है। अभी बबीता जी उधर इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या तेरा वजन पड़ेगा? वजन की बात है तो फिर मुझे ले चलिए। मिस्टर जेठालाल आप लोग इनकम टैक्स वो है जेठालाल साले तू थोड़ा पानी बच गया सॉरी। कौन है बेशिस्त? सॉरी सॉरी भिड़क मैं नीचे नहीं देख रहा था। अरे नहीं कोई बात नहीं जेठालाल, तुम सूरज को पानी दे रहे हो तो तुम ऊपर ही देखोगे ना, सूरज तो ऊपर ही होता है। नीचे देखता तो चांद दिखता। मैंने किसी को नहीं बुलाया, सब अपने अपने काम धंधे पर चले जाओ और तुम भी अपनी दुकान पर चले जाओ। चाटा छोड़ दो। जेठालाल मेरे पति कितने अच्छे हैं, मुझे इस बात की गारंटी मिल गई है। अरे अय्यर साहब की गारंटी मैं देता हूँ, कलर जाए तो पैसा वापस। किसी को और कोई सवाल है? बड़े अंकल। अंकल नहीं सिर्फ बड़े। आपके कलश में से पानी खत्म हो गया है। ए? पानी आपको कैसे पता चला? जी दिख रहा है तो थोड़ा पानी उधर दे दीजिए। पानी अब प्यारी समझ गई। बबीता जी आइए गरबा खेलने। जेठालाल बबीता के साथ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये आपको दिखाई नहीं देता क्या? नहीं रात हो गई है ना इसलिए अंधेरे की वजह से नहीं दिखाई दे रहे। मुझे भी हिंदी आती है। अच्छा कच्ची आता है? Yes. कच्ची आता है? Yeah. कच्ची? Yes. तो बोलो कड़ा बना तो औलानन बना तो। मुझ पर किसी की निगाह नहीं ठहरती। मेरा साथी ऐसा मुझे किसी की नजर ही नहीं लगती। Once more. हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? बबीता तुमने लेटर दिया? अरे हाँ लेटर मेरी मामी का लेटर है, जरा पढ़ देंगे प्लीज। मतलब तो कौन सी भाषा में? गुजराती में है। गुजराती में? जी हाँ।
बेटा बबीता बेटा 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 बबीता मेरे बत्ती बोर खेले का इकार। ये क्या लगा रखा है? हटो, हमें ये पूछने वाले तुम कौन हो? मैं रंग ना हूं। कौन से रंग से? जेठालाल के ग्रुप में जिसको आना है वो अभी आ सकता है। हाँ। अभी भी एक सीट खाली है, जिसको आना है वो आ सकता है। गाड़ी रुकी हुई है, दरवाजा खुला है। मैं भी आता हूँ। सॉरी, अभी जगह खाली नहीं है, जगह भर गया है। अभी अगली संक्रांत में चांस लेना। अय्यर भाई, अरे आपकी प्रार्थना फलीभूत हुई। क्या पार्टनर मिला है मुझे? कौन है? बबीता जी। अरे 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 क्या है, बबीता जी को ढोकले बहुत पसंद है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, तो ये सीखने आए हैं। क्या बात कर रहे हैं बबीता जी, आपको भी ढोकले पसंद है? जी, मुझे भी ढोकले बहुत पसंद है, इसीलिए तो ढोकले जैसे हो गए हैं। आप देर हुए क्यों भाई? अरे माधवी भाभी को क्या देख रहा है भाई? तू तो माधवी भाभी को ऐसा देख रहा है जैसे उनकी वजह से तुझे देर हुई हो। अरे जयदलाल, अभी जाने दो ना, आत्माराम आ गया है, मीटिंग शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्यों जाना था? मुझे जो एक दो बार लेट हुआ था, तभी 500 सवाल पूछे थे भिड़े ने मुझे, क्यों लेट हुआ, कहाँ रह गए? अरे यार भाई, तभी तो आपने भिड़े को बोला नहीं था कि आत्माराम छोड़ो, अभी जयदलाल आ गया है, तभी जगह चाहिए।